नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो आपको पता है कि Xiaomi ने काफी राज कर लिया था हमारे इंडिया के जो मोबाइल मार्केट में। जब से Realme आया है उसके लिए टक्कर वाला सीन आ गया, यानी कि दोनों कंपनी में काफी बड़ा है। एक अगर नया फोन लॉन्च करता है कुछ अच्छे सेगमेंट के साथ अच्छे प्राइस में, तो दूसरे उसके साथ उससे थोड़ा सा डाउन करके देता है, ताकि दोनों में कॉम्पिटिशन बराबर है। तो हम जैसे लोग जो है, हम सोचते हैं कि हमें हरदम सस्ते में कुछ चीजें मिल जाए, जिसे हम कहते हैं 12,000-15,000 के अंदर अंदर वो फीचर्स मिले, जो कि 35,000-30,000 वाला फोन में, जैसे सैमसंग वगैरह काफी गर्द मचा रखे थे। अब एक लीक निकल के आया है रियलमी की तरफ से कि रियलमी A1 जो कि एंड्रॉइड 1 वाला सपोर्ट होके आएगा, एंड्रॉइड 1 का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको प्योर एंड्रॉइड देखने को मिलेगा कलर ओएस को अलग हटाते हुए। तो ये चीज काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि Xiaomi अपने MI1 पे जो जितना फोकस किया था, उसके बाद का जो स्टॉक एंड्रॉइड पे ज्यादा फोकस नहीं किया। आई थिंक ये जो फोन है कम प्राइस में अच्छे सेगमेंट में आएगा, तो स्टॉक एंड्रॉइड में आएगा। कई सारे लोग अच्छा पसंद करते हैं कि सिंपल ओएस हो, जो कि बेफजूल का आड़ ना हो, काफी चीजें आपको सिंपल सा लगे, तो वो एंड्रॉइड 1 या स्टॉक एंड्रॉइड के साथ वो लॉन्च करने वाला है रियलमी A1। तो इसके अंदर जो फीचर्स रहेगा, जो डिस्प्ले रखेगा 6.2 इंचेस का, और साथ में इसके अंदर जो स्टोरेज रहेगा, ये स्टार्टिंग स्टोरेज जो रहेगा 2GB और 16GB से, वो अंडर 8,000 आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो बैटरी बैकअप देगा वो 4200mAh की बैटरी देगा, और साथ में अगर रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा पीछे की जो रहेगा, एक रोटेट मोड के लिए 2MP और 13MP, साथ में फ्रंट फेसिंग के लिए आपको 13MP कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर लेके आएगा ये कोई स्नैपड्रैगन नहीं हो पाएगा, ये इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.1GHz का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गेमिंग के लिए, खास करके जो पबजी वगैरह खेलते हैं आजकल, तो पबजी भी लाइट मोड में आ चुका है, गेमिंग के लिए जो ग्राफिक उसने इसके अंदर सपोर्ट करेगा माली Mali G72 MP3 GPU नाम से कोई एक इसके अंदर, जो कि गेमिंग का प्रोसेसर है, यानी कि गेम के लिए आपको जो ग्राफिक जो मानते हो, तो ये रहेगा इसके अंदर फीचर्स वगैरह। तो इसे क्या होगा, तो सस्ते प्राइस में भी जो यूजर है तो वो इस फोन को बड़े आसानी से परचेज करके यूज कर सकते हैं। रियलमी पूरी अपने इंडिया मार्केट के साथ ही वो अपने स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता है। तो अगर मैं कहता हूँ रियलमी A1 में अगर स्टॉक एंड्रॉइड काम कर जाता है, आई थिंक A1 प्रो या कुछ ऐसे आ जाए, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा हाई रेंज में देखने को मिलेगा। और हाँ, इस फोन के अंदर आपको जैसे नोकिया के फोन में देखने को मिल जाता है या Xiaomi के फोन में देखना, अपग्रेडेशन रहेगा, जैसे हर साल नई नई जो एंड्रॉइड आएगा तो उसमें अपडेट मिलेगा। तो इस फोन में आपको लंच होगा आई थिंक 1 या 1.5 महीने के अंदर ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में, या लंच वगैरह सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसका एंड्रॉइड 9 पैक के साथ जब आएगा, तो उसके बाद एंड्रॉइड क्यू का अपडेट मिल जाएगा। इसको उसने कंपनी ने उसके अंदर मेंशन किया है कि मिनिमम 3 ईयर के लिए इसके अंदर अपडेट सब मिलता रहेगा, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड। Xiaomi ने क्या किया है, MI1 सक्सेस के बाद उसका जो ऑटोमेटिक उसने डाउन कर दिया, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ कि क्यों Xiaomi जानबूझ के अपने जो स्टॉक एंड्रॉइड को खत्म किया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। और बात रही कि रियलमी अगर स्टॉक एंड्रॉइड मार्केट में आ जाता है, यानी कि एंड्रॉइड 1 पे काफी जबरदस्त होने वाला है, तो इस फोन के अंदर आपको कैमरा डीप एनेबल होके ही आएगा, ताकि आपको अलग से बूटलोडर अनलॉक करके करना नहीं पड़ेगा, काफी बढ़िया फोन होगा। तो क्या आपको लगता है कि फोन आगे चल के इंडियन मार्केट में, जैसे MI1 अपने मार्केट फैला रखा है तो आज तक 2 साल होने को है, क्या उसी तरह ये मार्केट पकड़ पाएगा जो कि रियलमी A1। तो बस आप एक छोटे से कमेंट करके बता देना कि आपको ये फोन जो आएगा, क्या आप इसको परचेस करने के लिए कोशिश करोगे या परचेस करने के लिए उम्मीद रखोगे। तो बस ये था आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और बेल बटन प्रेस कर देना। बस यही था आज के वीडियो में, मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।